मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में लोग दो मिशन चला रहे हैं, जिसमें कि सैनिटेशन पे जो काम कर रहे हैं एसपीएम और अमृत। बेसिकली इंट्रोडक्शन सुबह हो गया था ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री। जब रीयूज की बात करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर से जो पानी बेसिकली जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसको रीयूज करने की बात होती है। टोटल ड्रिंकिंग वाटर 7.2% के आसपास जो हम कैलकुलेट करते हैं 7.2% है जो कि अर्बन वाटर टोटल वाटर डिमांड का जो है, बट उसका 80% जो है वो वेस्ट वाटर होता है। बट ये जो वेस्ट वाटर है ये बाकी सारे पानी को खराब करने की कैपेसिटी रखता है। बेसिकली अगर हम रीयूज की बात करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एसटीपीज और सैनिटेशन उस वजह से इम्पोर्टेंट है। जो जिसपे अभी हम काम कर रहे हैं वाटर सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जो अर्बन क्षेत्र में जो वाटर बॉडीज हैं इसमें रिजुविनेशन की जरूरत है। वाटर बॉडीज पोल्यूटेड हैं, वाटर बॉडीज का एरिया घट रहा है, तो एक ऑप्शन ये है कि जो सोर्स है उसको सिटी में शिफ्ट कर दिया जाए। बाहर से बेसिकली अगर अंदर आएगा तो वाटर सिक्योरिटी पैदा होंगी और देन वाटर बॉडीज भी साफ मेंटेन हो जाएंगे। देन रीयूज हो गया है, देन प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन बाई यूज वाटर। उसके बाद में जो ट्रीटेड यूज वाटर है उसका इरिगेशन हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा वाटरशेड मैनेजमेंट जैसे कि वाटर बॉडीज रिजुविनेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और जो रिवर्स हैं जो सीजनल रिवर्स हैं उनमें जो एनवायरमेंटल फ्लो मेंटेन रखने के लिए इस पानी का यूज किया जा सकता है। टोटल अभी 13,000 एमएलडी के आसपास वाटर ट्रीट हो रहा है, उसमें से जो रीयूज हो रहा है वो 4,000 एमएलडी है। अमृत में अभी तक 1450 एमएलडी की कैपेसिटी। जो चैलेंजेस हैं जो अभी हमने भी इनफैक्ट एक जो अमृत में जो एसटीपीज बने थे वहां पे जो हमने सर्वे कराए हैं, प्लस अभी जो हमने सीधे अमृत 2.2 के लिए जो हमने डेटा देना स्टार्ट किया है, इसके अलावा हमने एक पेजर सर्वेक्षण भी अभी स्टार्ट किया। जो अभी तक हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से हमें ये लग रहा है कि इन्वेंट्री जो एसटीपीज की इन्वेंट्री है ये कंप्लीट अभी एक जगह पे नहीं है। ये एक चैलेंज में नजर आ रहा था। सेकेंडली उसके बाद में जो पानी वहां से निकल रहा है उसको मैप करना कि बेसिकली वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, उसके आसपास में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, या उसके बाद में अदरवाइज वो अल्टीमेटली वापस एग्रीकल्चर में हो रहा है उसको बेटर अगर यूज हो सके। फाइनेंस कैपेसिटी बात होती है, एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन फॉर रीयूज और एक पॉलिसी मैंडेट। दो बेसिकली स्ट्रेटजीज जो मिनिस्ट्री में डिस्कशन हो रहा है, एक वाटरशेड ओरिएंटेड और एक रिजर्व ओरिएंटेड। वाटरशेड के लिए ग्राउंड वाटर लेक रिवर ऑगमेंटेशन और हॉर्टिकल्चर एंड यूजर के लिए रेवेन्यू जनरेशन। एक एग्जाम्पल अभी कर्नाटका का एक इससे पहले वीडियो में भी बताया गया था। तो बेसिकली अगर हम रिचार्ज कर रहे हैं तो उससे ग्राउंड लेवल और आसपास की क्वालिटी ग्रीन कवर इम्प्रूव हुआ है। ये एक हमने एनआरसी के साथ में भी काम स्टार्ट किया है। ये लग रहा था कि इन्फॉर्मेशन नहीं है यूएलबीज के पास में कि उनकी वाटर बॉडीज किस हालत में है। बेसिकली म्यूनसिपल कमिश्नर के पास में वो डिपेंडेंट है अपनी टीम पे ये पता करने के लिए कि कौन सी वाटर बॉडी। सुनते हैं कि 20 साल पहले यहाँ वाटर बॉडी होती थी, वाटर बॉडी खत्म हो गई है। तो एक एनआरसी ने एक टाइम स्टैम्प जनरेट की है, हमने 10 सिटीज के लिए स्टार्ट किया था। इसके अलावा हमने भी लगभग 300 सिटीज के लिए डाटा जनरेट कर दिया है जिसको सिटीज के साथ शेयर किया है। तो ये एक जैसे 2012 से जो सैटेलाइट डाटा आ रहा है, 2012 में वाटर बॉडी का एरिया कितना था और उसके बाद में कितना घटता जा रहा है, प्लस उसकी वाटर क्वालिटी। तो ये कुछ डाटा जो है ये हम जो एक हेक्टेयर से ऊपर की वाटर बॉडीज है उसके लिए हम जनरेट करेंगे। इसका पोर्टल हमने पायलट बना लिया था और 300 सिटीज के लिए हमने बेसिकली क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल एरिया बेसिकली कुछ वाटर बॉडीज हैं जो सिटी के अंतर्गत आती हैं और या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर आ सकती हैं, तो हमने 10-10 वाटर बॉडीज का एक ये वाला डोसियर जनरेट करके उस सिटीज को शेयर किया है कि फर्दर वो कितना ड्रिल डाउन करना चाहते हैं। ये जो रिवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल है जो ट्रशियर लेवल ट्रीटमेंट करके और 140 करोड़ से ज्यादा जनरेट हो रहा है पानी का। और ये प्रपोजल्स है कुछ की स्टेट पॉलिसी, एक वो रीजन पानी के रीयूज करने के लिए वाटर स्ट्रेस और वाटर स्ट्रेस का मैपिंग हो जाए और उसके बाद में जो एसटीपीज जो वहाँ से
वाटर बेसिकली जो पानी निकल रहा है एसपीपी के उसको मैप कर लिया जाएगी कहाँ पे उसका रिव्यूज हो सकता है, उसके बाद में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि उसको किस तरह से उसमें यूज करेंगे। एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर कुछ जो लग रहा है कि स्टेट लेवल पे होना चाहिए, अर्बन लेवल पे जो हमें लग रहा था, स्टेट लेवल पे एक कोई प्रमोशन अथॉरिटी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रीयूज सेल हो, एक स्टेट लेवल पे एक प्लान बने या रीजन लेवल पे एक प्लान बने कि क्योंकि हर जगह पर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। स्टैंडर्ड्स की बात थी, वाटरशेड वैल्यू ओरिएंटेड और इंटीग्रेटेड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो भी अपनी यूएस की बात की। थैंक यू।